Hello friends, I am Dr. Pooja Bhatia. I am gold medalist astrologer, tarot reader and a life counselor. Friends, आज हम एक बहुत ही sensational और hot topic के बारे में बात करने आए हैं. वो है हमारे फेवरेट MS धोनी का क्रिकेट जगत से संन्यास. आज हम बात करेंगे कि MS धोनी ने क्रिकेट जगत से संन्यास आखिर क्यों ले लिया और वो आगे क्या करने वाले हैं. आई एम श्योर हमारे जितने भी फैंस हैं MS धोनी के, वो ये सब जानने को उत्सुक होंगे कि अब अगला कदम धोनी का क्या होने वाला है और वो क्या करने वाले हैं. तो आइए आज हम बात करते हैं MS धोनी की कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री की, कि उन्होंने इतना नेम, फेम और रिकग्निशन जो उन्हें अपने क्रिकेट के टेन्योर में मिला है, वो कैसे मिला है, क्यों मिला है, वो ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र थे, कौन सी ऐसी दशाएँ थी जिन्होंने उसे आसमान की ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया. फ्रेंड्स, MS धोनी ने अपना करियर राहु की महादशा में शुरू किया जो 2002 से शुरू हुई थी, और 2004 में उन्हें अपना क्रिकेट का पहला ब्रेक मिला. उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत 2004 में की. उसके ठीक 3 साल बाद 2007 में उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता अपनी कैप्टेंसी में. 2011 की यदि हम बात करें तो 2011 में उन्होंने फिर से अपनी कैप्टेंसी में 50-50 वर्ल्ड कप जीता, और उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती. और MS धोनी एक इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने नाम पे 3 IPL ट्रॉफी की हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है. तो आइए अब हम बात करते हैं कि MS धोनी के हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनको उनके करियर में उन्हें एक नई ऊंचाइयां मिली. MS धोनी की यदि हम करियर की बात करते हैं और उनके हॉरोस्कोप की बात करते हैं, मैं उनकी पत्री यहाँ पे देख रही हूँ. उनकी पत्री जो है कन्या लग्न की पत्री है और चंद्र राशि भी उनकी कन्या है. लगन में चंद्रमा स्थित है जुपिटर और शनि के साथ, तो यहाँ पे लगन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और MS धोनी बहुत ही इमोशनल और क्रिएटिव माइंडेड नजर आते हैं. लग्ना लॉर्ड जो है 10वें घर में बुध बैठा हुआ है अपनी ही राशि का. किसी भी हॉरोस्कोप का 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको अपने करियर की ऊंचाइयों तक पहुंचना है. तो MS धोनी के 10वें घर में सूर्य विराजमान है और बुध अपनी ही राशि में विराजमान है और बुधादित्य योग बना रहे हैं. तो सूर्य बुध की युति इनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने क्रिकेट के करियर में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजंस भी लिए हैं. अब हम बात करते हैं कि कोई इंसान अगर इस तरह के स्पोर्ट्स के फील्ड में आता है तो वो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो उन्हें स्पोर्ट्स फील्ड की तरफ लेकर आता है. स्पोर्ट्स फील्ड में आने के लिए 3रा घर और मंगल का बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. अब हम MS धोनी का हॉरोस्कोप में देखें तो 3री राशि वृश्चिक राशि बन रही है जो मंगल की ही राशि है, और मंगल 9th हाउस में यानी कि भाग्य स्थान में बैठकर अपनी ही राशि वृश्चिक राशि को देख रहा है, और इनके हॉरोस्कोप में मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है. तो इसलिए नो डाउट इन्होंने बहुत स्ट्रेंथ के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ क्रिकेट में अपना नाम कमाया और बहुत ज्यादा मेहनत भी की, और अपनी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी. 9th का लॉर्ड यानी कि हमारे भाग्य स्थान का लॉर्ड 11वें भाव में यानी कि शुक्र जो है राहु के साथ 11वें भाव में लाभ स्थान में बैठा हुआ है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, राजयोग कारक कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, और राहु और शुक्र की युति ने इनको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत राहु की दशा में की और राहु की दशा में ही इन्होंने करियर से संन्यास भी लिया. अभी इनकी पत्री में देखा जाए तो राहु मंगल चल रहा है. राहु में मंगल, जब भी कोई महादशा आती है या चेंज होती है तो अपने आप में एक बहुत मेजर चेंज लेकर आती है, बहुत मेजर चेंज देती है. बहुत जल्द MS धोनी की पत्री में गुरु की महादशा स्टार्ट हो जाएगी नवंबर के बाद. तो अब हम सब फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अचानक ये डिसीजन क्यों लिया 15 अगस्त 2020 को 7:29 पे अपने इंस्टाग्राम में अचानक से एक विस्फोट होता है और हमें बताया जाता है कि MS धोनी ने संन्यास ले लिया. तो ये ऐसा क्यों किया और उस टाइम ऐसी कौन सी प्लैनेटरी पोजिशंस थी? तो ये एक बहुत सोचा समझा डिसीजन है. सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से
उनके मन में ये बात चल रही थी और अचानक से उन्होंने ये जो डिक्लेरेशन दिया। तो अगर हम 15 अगस्त 2020 की पत्री देखें तो 7:29 पे आर्द्रा नक्षत्र चल रहा था जो राहु का ही नक्षत्र है। तो देखिए राहु कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ओवरऑल कुंडली पे इनकी, कि हर चीज राहु पे ही आके रुक जाती है, जॉइनिंग से लेके एग्जिट तक फ्रॉम क्रिकेट वर्ल्ड राहु बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अब हम सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, अब MS धोनी क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माही हमारे MS धोनी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हमारे बीच में ही रहेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे, वो IPL क्रिकेट खेलेंगे हमारे साथ। और जिस तरह से उनकी गुरु की दशा स्टार्ट होने वाली है, तो गुरु की दशा में गुरु उनके लगन में बैठा है और चौथे और सातवें भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिकेट अकेडमी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं और नहीं तो क्रिकेट मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ के क्रिकेट की जगत को एक नए लेवल पे एक नए मुकाम पर लेके जा सकते हैं। शनि का जो गोचर हो रहा है मकर राशि में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये ट्रांजिट इनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा और इनको एक नया मोड़ देगा इनकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो फैंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माही कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे बीच ही हैं, वो IPL खेलेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, क्रिकेट एकेडमी एस्टैब्लिश करेंगे मैनेजमेंट के साथ, क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ के क्रिकेट को एक नया मोड़ देंगे और अपने जैसे कई रेप्लिका कई धोनी प्रोड्यूस करेंगे। तो बिल्कुल भी उदास मत होइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया, गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ काउंसलर। फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट के बारे में बात करने वाले हैं जो होने वाला है सितंबर 2020 में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के बारे में जो कि 23 सितंबर 2020 को अपना जोडिक साइन चेंज कर रहे हैं। राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि वृषभ में आने वाले हैं और केतु वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है और वृषभ राशि और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु और केतु का जो चेंज हो रहा है उसका इंडिया पे क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ओवरऑल वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम हिस्टोरिकली देखें और अगर हम एक प्लैनेटरी पोजिशन की बात करें तो राहु और केतु अपनी पोजीशन पे वापस सेम पोजीशन में 18 साल में एक बार आते हैं। तो वृषभ राशि में भी वो 18 साल के बाद दोबारा वापस आ रहे हैं और इस राशि में ये कम से कम 18 महीने रहेंगे। हिस्टोरिकली इंडिया के हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो 1947 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ था और साथ ही देश का विभाजन हुआ था उस वक्त भी राहु जो थे वो वृषभ राशि में थे और केतु वृश्चिक राशि में थे। उस टाइम इंडिया में बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, राइट साइड सिचुएशन थी और एक बहुत ही मेजर लेवल पे रेस्टलेसनेस थी। तो 1947 का ये विभाजन इस ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट के टाइम पे ही हुआ था। उसके बाद यदि हम वापस आगे 18 साल आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1966 में भी सेम प्लैनेटरी पोजीशन थी जब राहु टॉरस में थे और केतु स्कॉर्पियो में थे। उस टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का रहस्यमय तरीके से हत्या की गई थी और उस वक्त भी देश में काफ़ी अराजकता फैली थी। ठीक उसके 18 साल बाद यानी कि 1984 में यदि हम आते हैं तो उस टाइम पे अक्टूबर में हमारी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन हुआ था और देश में मेजर रॉयट्स हुए थे। साथ ही भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी कोई नहीं भुला सकता है और 1984 के दंगे हमारे इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि इसमें बहुत मेजर जो थी अराजकता फैली थी और रेस्टलेसनेस फैली थी हमारे देश में। उसके ठीक 18 साल बाद फिर अब अगर हम बात करें 2002 की, 2002 में भी गुजरात में काफ़ी मेजर रॉयट्स हुए थे और काफी दंगे फसाद हुए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो राहु और केतु जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आते हैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट लेकर आते हैं और ये फैक्ट्स हम हिस्टोरिकली प्रूव भी कर चुके हैं। इसी के साथ अगर हम बाकी प्लैनेट्स की बात करते हैं तो मंगल
जब अपना राशि प्रवेश करेगा, मंगल जब वृषभ राशि में आएगा, यानी कि शुक्र की राशि वृषभ में, मंगल का प्रवेश राहु के साथ एक बहुत मेजर इशू लेकर आने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत हाई लेवल पे बढ़ेगा और उस टाइम पे कहीं ना कहीं कोई मेजर पॉलिटिकल लीडर या कोई बहुत ही जानी मानी हस्ती सेक्स स्कैंडल में फंस सकता है, ट्रैप हो सकता है, उस पर एलिगेशंस लग सकते हैं। और ये जो बात दबी हुई है ये उस टाइम पर निकल के आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यदि हम देश की सरकार के बारे में बात करते हैं तो देश की सरकार को बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दौरान किसी बहुत बड़े नेता पर कोई आपदा आ सकती है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे मेजर पॉलिटिशियंस जो हैं, उनकी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा व्यवस्था करने की ज़रूरत है। और स्पेसिफिकली जब राहु कृतिका नक्षत्र में और केतु अनुराधा नक्षत्र में आएंगे, जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक रहेगा, उस दौरान ये टाइम जो है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। युद्ध की संभावनाएं भी बन सकती हैं, क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारी टेंशन की सिचुएशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं इंडिया की, उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हम वेस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वेस्ट इंडिया में कम्युनल राइट्स काफ़ी हद तक बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड पे इस राहु केतु ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट रहेगा। वर्ल्ड की यदि हम बात करेंगे तो पूरा वर्ल्ड एक हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में हमें कोरोना से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। एक नई एरा की स्टार्टिंग होगी, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एरा कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की एरा कह सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर फील्ड में काफ़ी लीड करेगी। 18 महीने तक जब राहु केतु एक ही साइन में रहेंगे तो हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय राशि यानी कि सेकेंड राशि टॉरस राशि कहलाती है, और ये दोनों ग्रह यहाँ आके काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे। और जब नवंबर 2020 में जुपिटर मकर राशि में आएंगे, यानी कि अपनी नीच की राशि में आएंगे, वहाँ से उनका फिफ्थ एस्पेक्ट पड़ेगा राहु पे। पंचम दृष्टि जैसे ही वो राहु पे डालेंगे, वो टाइम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगा, क्योंकि उस टाइम पे बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में मेजर चेंज आएगा। और ये टाइम काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। फेडरल रिजर्व को भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट की यदि हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल रहेगी, और इस टाइम पे हो सकता है कुछ लोगों को बहुत मेजर गेन हो और कुछ लोगों को मेजर लॉसेस हो। इसलिए सितंबर के बाद यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही केयरफुली अपनी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने की ज़रूरत है। यदि हम खाने पीने की बात करें तो खाने पीने की चीज़ों में कहीं ना कहीं शॉर्टेज आने की संभावना है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट ऑफ राहु एंड केतु। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है मेडिसिन फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है और उसका नाम काफ़ी हद तक पूरे वर्ल्ड पर छाएगा। अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, एविएशन, होटल और डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो इन इंडस्ट्रीज़ में मेजर और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा इन इंडस्ट्रीज़ पे प्रेशर बने, लेकिन अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी वेरी पॉजिटिव। बात करते हैं गोल्ड के प्राइजेस की, जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड के प्राइजेस की यदि हम बात करें तो गोल्ड का प्राइस बहुत शॉर्ट टर्म के लिए गिरेगा और उसके बाद वापस बहुत ज़्यादा बूम करेगा। गोल्ड का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे केतु प्लैनेट की। केतु जो है वृश्चिक राशि में जब गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि आठवीं राशि होती है, इसको हम रिसर्च की और इनोवेशन की राशि मान सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री में रिसर्च, इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ते जा रहे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में। और साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त बूम आएगा, कोविड की वैक्सीनेशन बनेगी और इन्वेस्टिगेशन यानी कि हमारी इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज और जो डिपार्टमेंट्स है ये भी हाईली एक्टिवेट हो जाएंगे। और इस टाइम पे बहुत से दबे हुए केसेस बाहर निकलेंगे और रिजॉल्व भी होंगे। और इस केस में हम सुशांत सिंह राजपूत का केस भी कंसिडर कर सकते हैं कि उसमें भी हमें कुछ पॉजिटिव आउटकम मिलने को
दिख सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो केतु जो है हमारे बॉर्डर्स पे काफी रेस्टलेसनेस लेकर आएगा और बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट हो सकती है, सीमा विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। यूएसए की बात करें तो यूएसए चाइना या फिर मिडिल ईस्ट के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकता है, इसकी बहुत ज्यादा और हाई प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ राहु एंड केतु ऑन इंडिया एंड ऑन वर्ल्ड। आई विल सून बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो जहां पे मैं आप लोगों से बात करूंगी कि राहु और केतु का इंपैक्ट आप पे क्या पड़ने वाला है, आपकी राशि पे क्या पड़ने वाला है। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज हम टैरो कार्ड के थ्रू बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कि क्या होने वाला है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्या रहेगा अंकिता लोखंडे का फ्यूचर और क्या होने वाला है रिया चक्रवर्ती के साथ। तो आइए हम टैरो कार्ड्स के थ्रू ये जानते हैं क्या होने वाला है आगे भविष्य में इन तीनों का। ये मैंने अपना कार्ड स्प्रेड कर दिए और अब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ जो मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं अपनी माँ के साथ और एक एंजल नज़र आ रहा है मुझे उनके साथ। वो अपनी फैमिली के साथ मतलब अपनी माँ के साथ यूनाइटेड हैं और बहुत ही खुश हैं, उनकी आत्मा जो है बहुत ही शांति में और पीस में है, ये मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पे जो दिख रहा है कि उनके केस को दबाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया गया है लोगों को ताकि उनका केस उभर कर ना आए और यहाँ पर उनकी बात जो है दब जाए। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि अंकिता लोखंडे चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले और वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं कि उनको न्याय मिले। अब आगे बात करते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का पुनर्जन्म होगा। तो जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का पुनर्जन्म होता हुआ नजर आ रहा है और वो देखिए जो सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है ये दिखाता है कि कोई पास से आपका जीवन साथी आपसे मिलेगा। तो ये जो नज़र आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का पुनर्जन्म ज़रूर होगा और वो यहाँ नहीं लेकिन कहीं देश के बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जन्म लेते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही अंकिता लोखंडे उनकी जीवन साथी बनेंगी और अंकिता लोखंडे अपनी ज़िंदगी पूरी जिएंगी और उसके बाद जब उनकी डेथ होगी और कुछ सालों बाद सुशांत सिंह राजपूत का जन्म होगा और बाद में अंकिता लोखंडे का जन्म होगा और फिर वो दोनों आपस में जरूर मिलेंगे और अगले जन्म में एक दूसरे के जीवन साथी जरूर बनेंगे। अब हम बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की, रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होने वाला है। तो देखिए, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, सोच रही हैं कि क्या करूं और क्या ना करूं, वो भी बिल्कुल इस समय कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है और वो क्या चाहती हैं। अगर देखिए यहाँ पर है कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से चाहती हैं कि उनका किसी तरह से इस चीज़ में हाथ ना बने और इनका वो किसी तरह से छूट जाए और वो अपनी तरफ से पूरी तिगड़म लगा रही है कि इस टाइम की क्या किया जाए। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो आसानी से छूटने वाली नहीं है। देखिए, डिप्रेशन का कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं उन पे बहुत बर्डन है और लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं और रिया चक्रवर्ती को कहीं ना कहीं मोहरा बना के यूज किया जा रहा है, ये चीज नजर आ रही है साफ में। अब हम बात करते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। तो जी हाँ, किसी फीमेल के थ्रू ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है और बहुत जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। ये आसान लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा कमर कसनी पड़ेगी और जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा और ये वक्त ही बताएगा। इसमें कम से कम एक साल का समय मुझे नज़र आ रहा है लेकिन इस केस का रेजोल्यूशन ज़रूर होगा। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत का पुनर्जन्म कहाँ होगा और रिया चक्रवर्ती के साथ क्या होने वाला है और साथ ही अंकिता लोखंडे उनकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर बनेंगी या नहीं बनेंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए क्योंकि मैं ऐसी और बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए डालने वाली हूँ। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया, गोल्ड मेडल्स एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड अ लाइफ काउंसलर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ जो ऐसी चीज़ है जो हम सब अपनी ज़िंदगी में हर वक्त हर समय अपने पास रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके मोबाइल की। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह मोबाइल में कुछ छोटी छोटी चेंजेस लाने से आप अपनी लक को चेंज कर सकते हैं, अपनी किस्मत को चमका सकते हैं।
मोबाइल की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत लोगों के मोबाइल देखे हैं कि मोबाइल का उनका कवर बहुत गंदा सा होता है, बहुत डर्टी सा होता है, काला पीला हुआ होता है या फिर दाग धब्बे लगे होते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने नए नए कपड़ों का ध्यान रखते हैं, इस तरह मोबाइल के कवर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने मोबाइल का कवर जो है वो हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसे चेंज करते रहेंगे और साफ सुथरा रहेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी बनी रहेगी। दूसरी बात हम जो नज़रअंदाज कर लेते हैं अक्सर, कि अगर हमारा मोबाइल का जो मेन स्क्रीन है अगर वो टूट जाता है तो हम उसे रिप्लेस जल्दी नहीं करवाते हैं, आलस करते हैं कि चलो कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि टूटा हुआ शीशा कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी लिए हुए होता है? तो टूटा हुआ शीशा मोबाइल के फॉर्म में अपने पास कभी भी मत रखिए, क्योंकि ये बैड लक को इन्वाइट करता है। टूटा हुआ शीशा अगर आपके मोबाइल में है तो उसे इमीडिएटली रिप्लेस करवा दीजिए। तीसरी बात, हम वॉलपेपर की बात करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग वॉलपेपर भगवान के लगा लेते हैं या अपने लव्ड वंस के लगा लेते हैं, तो ये मोबाइल के वॉलपेपर्स हमें नहीं लगाने चाहिए। इसका रीज़न क्या है? भगवान का वॉलपेपर यदि हम लगाएंगे तो मोबाइल हम कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, आपने सोचा है कभी? कितनी बार गंदे हाथों से उठा लेते हैं, वॉशरूम तक में हम मोबाइल नहीं छोड़ते हैं अपना। हम हर चीज़ के बिना रह पाते हैं लेकिन मोबाइल को एक सेकेंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो अगर हम अपने किसी बहुत ही प्यारे इंसान की तस्वीर लगाते हैं या भगवान का वॉलपेपर लगाते हैं और ऐसी गंदी जगह पर लेके जाते हैं तो ये अपमान होगा और ये अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही मोबाइल दिन में बहुत बार ऐसे करके फ्लैश करता है और आपके स्क्रीन में आपके किसी बहुत ही प्यारे बच्चे की या स्पाउस की तो हमें फोटोग्राफ नज़र आ रही होती है, तो हमें कई बार नहीं पता होता है हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, वो कैसी वाइब्रेशंस लेके बैठे हैं, किस नज़र से हमारे स्क्रीन को देख रहे हैं और स्क्रीन में हमारे बच्चों की फ़ोटो है, हमारे हस्बैंड की फ़ोटो है, हमारे वाइफ की फ़ोटो है। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आपको किस तरह का वॉलपेपर लगाना चाहिए? आपको वॉलपेपर लगाना चाहिए मोटिवेशनल कोई वॉलपेपर हो या कोई ऐसा कोट या आपका गोल हो जो लाइफ का, ठीक है, इस तरह के वॉलपेपर जो आपको कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ के गोल्स की तरफ रिमाइंडर देता रहे, ऐसा वॉलपेपर आपको लगाना चाहिए। साथ ही अब हम बात करते हैं कि लॉक पैटर्न कैसा होना चाहिए। लॉक पैटर्न आप मैंने बहुत लोगों का देखा है कि कई बार ऐसे करके नीचे की तरफ आ रहा है। लॉक पैटर्न हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को नीचे से ऊपर लेके जाना है, ना कि ऊपर से नीचे लेकर आना है। क्या होता है कि लॉक पैटर्न हम दिन में कम से कम 25-30 बार यूज़ करते हैं, तो जितनी बार हम नीचे से ऊपर जाएंगे हम उस चीज़ की वाइब्रेशंस को, इस चीज़ की एनर्जीज को एनहेंस करेंगे। इसे लॉक पैटर्न या तो वी की शेप में होना चाहिए या यू की शेप में होना चाहिए, जैसे विष्णु जी का तिलक होता है। इस तरह का यदि आप लॉक पैटर्न रखेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। इसके अलावा आप कई लोग लॉक पैटर्न जैसे नंबर कोड रखते हैं, अब वो नंबर कोड क्या होना चाहिए? या तो वो प्रोग्रेसिव नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 या 4 5 6 7, कभी भी रिवर्स नंबर 4 3 2 1 इस तरह का नहीं होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं जाना चाहिए, नंबर हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। या फिर ऐसा लॉक कोड रखिए जिसका टोटल आपका डेस्टिनी नंबर हो। अब डेस्टिनी नंबर क्या होता है? डेस्टिनी नंबर होता है जो आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बर्थ हुआ 3 February 2002, इसका टोटल क्या हुआ? 3 का 3 + February का 2 + 2002 का 4, तो 3 + 2 = 5, 5 and 4 = 9, सो 9 इज द टोटल डेस्टिनी नंबर ऑफ अ पर्सन बोर्न ऑन 3 February 2002। तो आप अपना मोबाइल का जो नंबर कोड है उसका टोटल 9 होना चाहिए, इस तरह का कुछ रखिए। इसके अलावा दिन में कम से कम 10 मिनट अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके बिल्कुल मेडिटेशन पोज में आ जाया कीजिए। किसी भी तरह का कांटेक्ट मत रखिए, बिकॉज योर माइंड आल्सो नीड सम रिलैक्सेशन, और साथ ही आपके मोबाइल को भी रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि वो भी सारा दिन यूज़ में आता है, तो उसकी भी बैटरी को थोड़ा सा प्रेस मिलना चाहिए। लास्ट थिंग जो हमें मोबाइल के बारे में सोचनी चाहिए, जो ध्यान रखनी चाहिए, वो है रिंगटोन की। कई बार होता है कि हम बहुत उदास होते हैं, हम बड़े मायूस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम अपने रिंगटोन्स भी बहुत नेगेटिव और डिप्रेसिव सॉन्ग्स की लगा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे नेगेटिविटी जो होती है वो एनहेंस होती है, मल्टीप्लाई होती है। अपने मूड के हिसाब से कभी भी अपनी रिंगटोन मत चेंज कीजिए। रिंगटोन्स हमेशा पॉजिटिव, वाइब्रेशनल और
भी होनी चाहिए ताकि जो भी आपको कॉल करे उसको भी मजा आए वो रिंगटोन सुनने में और उसको भी लगे कि हाँ पॉजिटिव एनर्जीज पॉजिटिव वाइब्रेशंस उसको भी मिले और आपको भी मिले। ये छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मोबाइल से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो दर्शकों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार दर्शकों, ओम गणेशाय नमः। दर्शकों आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी बहुत जल्द आने वाली है और ये हिंदुओं का बहुत ही बड़ा पर्व है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश उत्सव मनाया जाता है और इस दिन हर इंसान अपने घर में गणपति जी को स्थापित करते हैं और यह उत्सव 11 दिन का होता है और 11 दिन के बाद गणपति जी को विसर्जित किया जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि जब हम गणेश जी की प्रतिमा को खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति है। गणेश जी की मूर्ति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं रंग के बारे में आपको बताना चाहती हूं कि गणेश जी की मूर्ति सफ़ेद या सिंदूरी रंग की होनी चाहिए जो बहुत ही शुभ फल देती है। दूसरी बात, गणेश जी की मूर्ति जो है वो या तो मिट्टी की होनी चाहिए या फिर किसी धातु की जैसे सोने या चांदी की या फिर तांबे की मूर्ति। किसी भी तरह की केमिकल्स की या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति आप ना लाएँ। मिट्टी की बनी मूर्ति या फिर किसी धातु की बनी मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है। दूसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी की मूर्ति हमेशा बैठी हुई होनी चाहिए। उनकी प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए कि वो बैठे हुए पोज में होने चाहिए। उनको अगर आप बैठे हुए रूप में लेकर आएंगे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और प्रगति करवाता है हमारे घर के लिए और धन लाभ भी पहुँचाता है। तीसरी बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गणेश जी को हम वक्रतुंड कहते हैं और वो विघ्नहर्ता होते हैं, इसलिए गणेश जी की मूर्ति जो है उनकी सूंड जो है वो बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। जैसे आप इस मूर्ति में देख रहे हैं कि उनकी सूंड जो है वो बाईं ओर मुड़ी हुई है, तभी वो मूर्ति अच्छी और शुभ मानी जाती है। चौथी बात जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गणेश जी की मूर्ति के कंधे पर नाग के रूप में जनेऊ होना चाहिए। अगर आप इस मूर्ति को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक जनेऊ आपको नजर आएगा सफेद रंग का, तो जनेऊ वाली मूर्ति आपको जरूर लेकर आनी चाहिए। पांचवी बात जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि गणेश जी का वाहन कौन है। गणेश जी का वाहन है मूषक, तो हर गणेश जी की मूर्ति के साथ उनका वाहन जरूर होना चाहिए। इस मूर्ति में आप देखिए आपको छोटे से मूषक नजर आएंगे, मेरी मूर्ति में मूषक भी हैं और मोदक भी होने चाहिए गणेश जी की मूर्ति पे। साथ ही गणेश जी को हम भालचंद्र भी कहते हैं और उनके ललाट पे यानी कि मस्तक पर एक चंद्रमा का टीका होना बहुत ज़रूरी है। ये इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखें जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदने जाएं। साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो हमें ये चीज़ देखनी है कि गणेश जी की पीठ जिस तरफ है उस तरफ आपका कोई भी कमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है, इसलिए उनका जो पीठ है वो उस तरफ होनी चाहिए जहाँ पर घर का बाहरी हिस्सा हो या फिर उस तरफ कोई कमरा ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिए और साथ ही स्थापित करते वक्त आपको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आपको गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही किसी भी मूर्ति को, चाहे वो गणेश जी को हो या किसी भी भगवान की मूर्ति हो, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि सीढ़ियों के नीचे मंदिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे मंदिर होना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि हम दिन में हज़ार बार सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो इससे कहा जाता है कि भगवान का अपमान होता है। और साथ ही जो हमारे मंदिर हैं, मंदिर वाला कमरा है, उसकी दीवार कहीं टॉयलेट से नहीं मिलनी चाहिए, वो भी शुभ नहीं माना जाता है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि हम रखेंगे तो हमारा गणेश उत्सव, जिस मनोकामना से हम गणेश जी को घर पर बैठाते हैं, वो मनोकामना हमारी अवश्य पूरी होगी। तो दर्शकों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत नए नए वीडियोस के साथ मैं आपके पास आती रहूंगी। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ काउंसलर। फ्रेंड्स,
आज मैं आपके सामने एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आई हूँ जो हर हिंदुस्तानी के दिल के बहुत ही करीब है। आज तक मैंने बहुत सी एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बनाई और आपसे शेयर की, लेकिन आज मैं कुछ अलग हटके आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम है कि 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त हमारे देश की स्वाधीनता का दिवस है, हमारी आज़ादी का दिवस है और हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन हम तिरंगे को अपने लहराते हैं, तिरंगे का मान सम्मान करते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, छुट्टी मनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और 15 अगस्त के चलते मैंने देखा है कि अब बाजारों में सब जगह कलरफुल फ्लैग्स, हमारे ट्राई कलर्स, हमारे स्टिकर्स या फिर ट्राई कलर के बैंड्स और कैप्स, ये सब मार्केट में भर भर कर आ रहे हैं। लेकिन वहीं मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि इस बार 15 अगस्त पर मास्क भी ट्राई कलर के रूप में आ रहे हैं। तो क्या ये ट्राई कलर का मास्क हमारे लिए सही है? आपने सोचा है कि ट्राई कलर का मास्क हमारे लिए पहनना सही है या गलत है? देखिए, कोरोना की वजह से जो गवर्नमेंट ने इस चीज़ का कंपल्शन किया है कि मास्क हमें अपनी सेफ्टी के लिए पहनना है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और बहुत सी कंपनी ने नए नए तरह के डिजाइनर मास्क भी बना दिए हैं, बच्चों के लिए अलग, फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के अलग, जो बहुत ही अच्छे लगते हैं और लोग इसको पहनने में पसंद भी करते हैं। लेकिन तिरंगे का मास्क क्या ये जरूरी है? आपने कभी सोचा है कि तिरंगे का मास्क हम शौक से पहनेंगे, कितने दिन पहनेंगे? जिस दिन 15 अगस्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन, उसके बाद इस मास्क का क्या होने वाला है? आपने सोचा है मास्क का क्या होगा? मास्क या तो हमारे घर में कहीं मिट्टी में पड़ा होगा, या लोग उतार उतार के उसे सड़क पर फेंक देंगे, या उसे डस्टबिन में फेंक देंगे। तो हमारा ट्राई कलर, हमारे देश का झंडा कूड़ेदान में पड़ा हुआ या फिर सड़क पर पड़ा हुआ, क्या ये हमारे राष्ट्र के झंडे का अपमान नहीं होगा? आपने कभी सोचा है कि इस राष्ट्र के झंडे के सम्मान के लिए कितने वीर जवान शहीद हो जाते हैं, कितने वीर जवानों के घर बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो हमें आज़ादी दिलाने के चक्कर में शहीद हुए और आज भी बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसी तिरंगे को मान सम्मान देने की बजाय उसका अपमान कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं, अनजाने में आप 15 अगस्त के उपलक्ष पर तिरंगा मास्क तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसका जो आप अनजाने में अपमान करेंगे वो सही नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हो सके तो अवॉइड कीजिए, तिरंगे का मास्क नहीं खरीदिए। हाँ, आप टोपी लीजिए, आप स्टिकर्स लीजिए, आप बैंड्स लीजिए, आप कैप्स लीजिए, आप जो मर्जी लीजिए और उसको सजाइए भी, आप कलरफुल फ्लैग्स भी लीजिए, लेकिन प्लीज़ हो सके तो उसे इस तरह से बर्बाद न कीजिए, हमारे राष्ट्र के झंडे का अपमान न कीजिए। फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे तिरंगे का अपमान होने से बचे। शायद कोई अनजाने में ये काम कर रहा हो और उसे पता ही नहीं है, वो तो अपने देशभक्ति की वजह से तिरंगे का मास्क खरीद रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में बाद में वो उसी तिरंगे का अपमान भी करेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि देश के कोने कोने तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए और हमारे तिरंगे के मान सम्मान की रक्षा कीजिए। आप सभी से ये मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया, गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ लाइफ काउंसलर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको हम सब अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। वो है टॉपिक सोलमेट कनेक्शन का। जी हाँ, हम अपनी ज़िंदगी में सोलमेट को हर इंसान ढूंढ रहा है। हमें अपनी लाइफ में एक ऐसा प्यार, एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमें हर तरीके से समझे, हमारी हर इच्छा पूरी करे, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और हमारे साथ हर सुख दुख में हमारे साथ रहे। सोलमेट को पाने के लिए हम लोग बहुत एफर्ट्स करते हैं, कितनी बार हम गलत लोगों से भी टकरा जाते हैं और हमें लगता है कि शायद यही हमारा सोलमेट है, लेकिन हमें एंड में डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा मायूसी मिलती है और हमें लगता है कि नहीं, ये वो इंसान नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ऐसे आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? हमारी लाइफ में कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनको देखते ही हम उनकी तरफ एकदम से इंस्टेंट अट्रैक्शन होता है और किसी किसी को देख के इंस्टेंट रिपल्शन होता है कि नहीं,
इसको देख के कुछ अजीब सी इरिटेशन हो रही है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं हमारी सोल फैमिली से कनेक्टेड होते हैं, हमारी लाइफ में आते हैं, हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं। लेकिन हम अपने सोलमेट को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप की हो, चाहे वो मैरिज की हो, चाहे वो आपके बच्चों की हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी लाइफ में आपका बॉस आपको बहुत तंग कर रहा है, या मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा है, और लाइफ में कहीं ना कहीं ऑफिस में घर में हर जगह एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी अशांति सी है, इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ सोलमेट, अगर आज मैं आपको एक छोटा सा मैजिकल नंबर दूं जो आपको बहुत जल्द आपसे सोलमेट से मिलवा सकता है, तो कैसा रहेगा? तो चलिए नोट डाउन कीजिए वो नंबर। वो नंबर है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ब्लू पेन लेना है और ब्लू पेन से अपने लेफ्ट रिस्ट पे जहां पे आप वॉच बांधते हैं यहां पे आपको लिखना है वो नंबर। वो नंबर है 147023। मैं रिपीट कर रही हूं नंबर, नंबर है 147023। ये नंबर जो है, ये नंबर सोलमेट कनेक्शन का नंबर होता है, और साथ ही ये नंबर वो जादुई नंबर है, मैजिकल नंबर है कि अगर आपका लवर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है या बात नहीं कर पा रहा है, ये नंबर आप डेली अगर अपने लेफ्ट रिस्ट पे लिखेंगे तो बहुत जल्द जितनी भी नेगेटिविटी है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो वो नेगेटिविटी हट जाएगी और बहुत जल्द कनेक्शन वापस बन जाएगा आपके आपके फ्रेंड से, आपके लवर से, आपके हस्बैंड से, या जो भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। ये छोटा सा मैजिकल नंबर लिखिए और तब तक लिखिए जब तक आपकी बात नहीं हो जाती है या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सोलमेट एंट्री नहीं हो गई। इस नंबर को आप चैंट भी कर सकते हैं। आपको चैंटिंग करते टाइम माइंड में सबसे पहले इंटेंशन बनानी है कि ये नंबर मैं अपने सोलमेट अट्रैक्शन के लिए चैंट कर रही हूँ, और साथ में मन में 28 बार चैंट कीजिए 147023 147023 करके 28 टाइम्स चैंटिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में अगर आपको और भी जानकारी लेनी है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत जल्द मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ लाइफ काउंसलर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आज के ज़माने में बहुत लोग जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब पे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिए, क्योंकि जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाली हूं वो बहुत आपको अच्छे से इंपैक्ट करेगी और बहुत जल्द आपको हेल्प करेगी जॉब ढूंढने में। फ्रेंड्स, कई बार होता है हमारी लाइफ में हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, हम बहुत जगह इंटरव्यू देते हैं, हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती हैं, इंटरव्यू की कॉल्स ही नहीं आती हैं। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी रेमेडी है या कौन सा मैजिकल नंबर जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकता है? जॉब ही नहीं, इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको वर्क प्लेस में पॉलिटिक्स फील हो रही है, या आपका बॉस आपसे इंप्रेस नहीं हो रहा है, या आपको प्रमोशन नहीं दे रहा है, या फिर आप जॉब से बिजनेस में स्विच ओवर करना चाहते हैं लेकिन वो कौन सा बिजनेस है जो आपको सूट करेगा या आपको मालूम ही नहीं है, और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी लाइन में आपकी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, या फिर कौन सी ऐसी स्ट्रीम, या फिर कौन सा ऐसा स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, आपको ज्यादा सूट करेगा, या फिर बिजनेस करनी है या जॉब ही कंटिन्यू करनी है। ये सारे डाउट्स अगर आपके माइंड में है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मैं आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगी और आपको एक छोटी सी गाइडेंस दूंगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं। बात करते हैं वापस जॉब की। जो लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं,
उनको क्या करना है, उनको एक छोटा सा मैजिकल नंबर लिखना है। वो मैजिकल नंबर क्या है वो बताने के लिए मैं आपसे चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और साथ ही बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मुझसे बात कीजिए और मेरे नए वीडियोज का वेट कीजिए। कमिंग बैक टू द एम्प्लॉयमेंट टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले रोज सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाइए, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें रोली मोली चावल डालिए और रोज सुबह सूर्य का मंत्र पढ़िए और साथ ही सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः। ये मंत्र बहुत ही पॉजिटिव है और जॉब के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। डेली कीजिए, कम से कम 43 डेज कीजिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव चेंजेस। साथ ही एक छोटा सा मैजिकल नंबर, वो मैजिकल नंबर क्या है, वो मैजिकल नंबर ध्यान से सुनिए, वो है 4545545, यानी कि 3 बार 45। आपको क्या करना है, एक ब्लू पेन लेना है और अपनी लेफ्ट रिस्ट पे 4545445 लिखना है और ये नंबर आपको तब तक लिखना है जब तक आपको इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आ जाती या आपकी सुटेबल जॉब नहीं लग जाती। ये करके देखिए, ये दो छोटी रेमेडीज, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और साथ ही आपको ग्रोथ भी मिलेगी। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और मैजिकल नंबर के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पर हो सके तो कॉमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ डॉक्टर पूजा भाटिया और आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के पावन पर्व के बारे में। दर्शकों, जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाता है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में। लेकिन इस साल जन्माष्टमी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जन्माष्टमी 11 अगस्त की है या 12 अगस्त की है। तो आइए हम बात करते हैं कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सी शुभ तिथि है जिसमें हम जन्माष्टमी का पावन पर्व मना सकते हैं। दर्शकों, इस बार जन्माष्टमी पर तिथि और नक्षत्र एक साथ नहीं मिल रहे हैं। यदि हम तिथि की बात करते हैं तो 11 अगस्त को सुबह 9:07 पर अष्टमी तिथि आरंभ होगी जो 12 अगस्त को सुबह 11:17 तक रहने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त दो दिन मनाई जाएगी, लेकिन 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मथुरा और वृंदावन में भी 12 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है। यदि हम समय की और शुभ मुहूर्त की बात करें तो रात को 12:05 पे 12 अगस्त को रात को 12:05 पे जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और ये मुहूर्त रहेगा रात को 12:47 तक। तो ये जो 43 मिनट शुभ मुहूर्त के, इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। तो दर्शकों, आज हम बात करते हैं जन्माष्टमी पे करने वाले कुछ अचूक उपायों की। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं या आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर शादी विवाह में किसी तरह की दिक्कत है या फिर आपके ऑफिस में, जॉब में, बिजनेस में कोई तरह की दिक्कत परेशानी है तो जन्माष्टमी पे कुछ उपाय कीजिए जिससे आपकी ये सभी समस्याओं का समाधान हो। सबसे पहले बात करते हैं संतान प्राप्ति के अचूक उपाय की। जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा है उन्हें जन्माष्टमी वाले दिन क्या करना है, श्री कृष्ण को पंचामृत से अभिषेक करना है और साथ ही उनके समक्ष घी का दिया जलाना है। इसके बाद पति और पत्नी दोनों को मिलकर संतान गोपाल मंत्र का जाप 108 करना है, इससे इनके संतान सुख की प्राप्ति होगी। जिन लोगों का शीघ्र विवाह करवाना चाहते हैं आप, उनको ये उपाय करना है, भगवान श्री कृष्ण को सुगंधित जल अर्पित करें, साथ ही उन्हें पीले फूल चढ़ाएं, साथ ही ये मंत्र का जाप करें, गोकुल नाथाय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 करें और ध्यान रहे कि ये मंत्र का जाप आप शुभ मुहूर्त में ही करें। विद्या और शिक्षा के लिए आपको क्या करना है, आपको श्री कृष्ण को केसर के जल से स्नान कराना है और पीली वस्तु का भोग लगाना है, साथ ही आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में, रमा रमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ में। इस मंत्र का उच्चारण करने से शिक्षा और विद्या में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं जन्माष्टमी पर धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ उपाय। जन्माष्टमी की रात को श्री कृष्ण जी को
वस्त्र अर्पित करें और उन्हें माखन, मिश्री और तुलसी अर्पित करें और साथ ही श्री कृष्ण जी के मंत्रों का भजन करें। इससे लक्ष्मी प्राप्ति होती है और बहुत जल्द धन धान की बरसात होती है। दर्शकों, जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं वो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो वीडियो की जानकारी मिलती रहे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पवन भाटिया, वास्तु कंसल्टेंट एंड नेगेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने कुछ बहुत ही छोटे बट पावरफुल वास्तु टिप्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि घर में कौन सी पेंटिंग रखें जो आपके घर में तरक्की लेके आए, आपके ऑफिस में तरक्की लेके आए। अगर घर के रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा रखना है, तो ऐसा क्या करें जिसमें कि रिलेशनशिप बढ़िया हो। और भी बहुत सारे टिप्स हैं बच्चों के लिए। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे और छोटे छोटे वास्तु टिप्स बताता रहूँगा। आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने सुना होगा दोस्तों कि घर में भागते घोड़ों की तस्वीर रखनी चाहिए या पेंटिंग रखनी चाहिए, क्यों रखें? सबसे पहले हमारे आगे क्वेश्चन आता है कि हमें ये सब क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। तो दोस्तों, वास्तु और फेंगशुई के अनुसार अगर आप अपने घर में भागते घोड़ों की तस्वीर रखते हैं तो ये आपके बिजनेस को एनहेंस करता है, आपके घर में तरक्की लेके आता है। तो ये ऑफिस और बिजनेस और घर सबको एनर्जाइज करता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि घोड़ों का फेस किस तरफ होना चाहिए, घोड़ों की तस्वीर किस शेप में होनी चाहिए, किस दिशा में रखनी चाहिए और घोड़े भागते हुए कितने नंबर में होने चाहिए। तो आप ध्यान से नोट करिए दोस्तों, और साथ ही मैं आपको इन दौरान एक पिक्चर भी शेयर कर रहा हूँ जो आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको पता लगे क्या पोजिशन होनी चाहिए घोड़ों की। भागते घोड़े 7 होने चाहिए दोस्तों, नंबर 7 नंबर में घोड़े होने चाहिए, उनकी पूरी तस्वीर होनी चाहिए, उनके पांव कटे नहीं होने चाहिए, वो इनवर्ड भाग रहे हों। इनवर्ड का मतलब होता है आपके घर के अंदर की तरफ आ रहे हों, और उनका शेप जो है, उनकी जो तस्वीर है वो हमें साउथ की वॉल पे लगानी है। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर घोड़े की तस्वीर साउथ की वॉल पे है तो घोड़े किस तरफ से आ रहे होंगे। आप ध्यान रखिएगा, और मैंने ये बहुत सारे अपने लोगों को बताया, जिन लोगों ने मुझसे कंसल्ट की है, वो गलत तस्वीर उठा लेते हैं और महंगी महंगी तस्वीरें वेस्ट हो जाती हैं। तो आप कृपया करके अभी स्क्रीन में देखिए, जो शेप दिख रही है घोड़ों की, जिस तरह दिख रही है उसे फॉलो कीजिए और उसे अपनी साउथ की वॉल पे लगाइए दोस्तों। फिर देखिए क्या आपके बिजनेस में तरक्की होती है और क्या आपके घर में खुशहाली होती है। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अगर आपको अच्छा करना है, या अगर आपको लगता है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, बात बात पे बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपकी एक फ़ोटो जो आपको सबसे अच्छी लगती है, जो आपकी और आपकी वाइफ की है, या अगर लवर्स हैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो एक सबसे बेहतरीन जो आपकी सबसे मेमोरेबल फ़ोटो है उसको आप उसकी फ़ोटो को निकलवाइए, प्रिंट निकलवाइए उसका, अच्छा सा फ्रेम करवाइए और उस फोटो को आप एक पेंडुलम क्लॉक के नीचे रखिए। यहाँ पे पेंडुलम क्लॉक का मतलब है वो क्लॉक जिसमें पेंडुलम हो जो चलता रहे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि ये क्लॉक कभी रुकनी नहीं चाहिए, पेंडुलम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब तक चलता रहेगा आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। रखनी कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको साउथ और वेस्ट की कॉर्नर की वॉल पे रखनी है। आप चाहे साउथ की तरफ रखिए चाहे वेस्ट की तरफ रखिए, लेकिन ये कॉर्नर की वॉल पे होनी चाहिए। ऊपर होना चाहिए पेंडुलम क्लॉक और नीचे आपकी हंसती हुई पिक्चर। ये आपके रिलेशनशिप को अच्छा करेगी, एनहेंस करेगी। किस रूम में रखना है, आपको अपने बेडरूम में रखना है, जहाँ पे आप सोते हैं, मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट की, बच्चों को कहाँ पढ़ाई करने के लिए बिठाना चाहिए। बच्चों को हमेशा जब भी पढ़ने के लिए बिठाएं तो बच्चों का फेस या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। क्वेश्चन है कैसे, अगर बच्चों का पढ़ते हुए फेस ईस्ट की तरफ होगा तो बच्चों में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आएगी। कैसे आएगी, अच्छे मार्क्स से आएगी, अच्छी नॉलेज से आएगी। अगर वो नॉर्थ की तरफ होगा तो बच्चों फाइनेंस में बहुत अच्छा होगा, यानी कि अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या आगे कुछ
मैनेजमेंट कोर्स कर रहा है तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ होना चाहिए ताकि बच्चे के नॉलेज गेन हो और वो प्रैक्टिकली इसे अप्लाई कर सके। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वास्तु टिप्स हैं, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, अगर आपको अपने घर का वास्तु चेक करवाना है, अगर आपको अपने ऑफिस का वास्तु चेक कराना है, दोस्तों नंबर नीचे दिए हुए हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेशन बॉक्स में डालिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन भाटिया है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ और नेगेटिव एनर्जी विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे घर की चार दिशाओं की, हम बात करेंगे घर की चार दिशाओं में आपके बेडरूम की। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं घर की चार दिशाओं की, हम एक एक करके दिशाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और उन कमरों के अंदर जहाँ पे आप रहते हैं ये कमरे आपके अलग दिशाओं में होते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ ईस्ट के कमरे की। साउथ ईस्ट जो है वो हमारा फायर जोन कहलाता है, अग्नि जोन कहलाता है। साउथ ईस्ट में जो कमरे बने होते हैं, जो हमारे बेडरूम बने होते हैं, वहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर गर्म मिजाज के होते हैं, उनका घर में आपस में अनबन होने लग जाता है। बच्चे हों उस कमरों में तो बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि हमारा घर में एटमॉस्फेयर भी ऐसा इसी तरह से है। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा, हमें साउथ ईस्ट के बेडरूम में ज़्यादातर गर्माइश का एहसास होता है। जनरली साउथ ईस्ट में आपको बेडरूम बनाना ही नहीं चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट में हम लोग किचन बनाते हैं। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में है और आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा हैं तो आप मुझे नीचे नंबर दे रखे हैं, उनमें कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है जिससे इस नेगेटिव एनर्जी को हम दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम साउथ वेस्ट के रूम की। साउथ वेस्ट वन ऑफ द पावरफुल रूम ये हम कहते हैं, सबसे पावरफुल रूम घर का साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट में हम हमेशा कहते हैं कि घर के सबसे बड़े जो कमा रहे हैं, जो घर चला रहे हैं, उनका बेडरूम होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि बच्चों का बेडरूम, आजकल मॉडर्न ज़माना है, बच्चों का एक सेपरेट बेडरूम होता है और हम बच्चों को साउथ वेस्ट का बेडरूम दे देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे साउथ वेस्ट में रहकर बड़े हो रहे होते हैं, जनरली उन बच्चों के व्यवहार में थोड़ा सा एग्रेशन देखा गया है, वो गुस्से वाले होते हैं, माँ बाप की बात ना मानने वाले होते हैं, वो अपनी चलाने वाले होते हैं, क्योंकि वो एक पावरफुल जोन में पनप रहे होते हैं, वहाँ पर ही वो बड़े हो रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे बच्चे ऐसी जगहों पर बढ़ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। आपको मैं दोबारा बता दूं, नीचे दिए गए नंबरों में मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। अब बात करते हैं अगर हमारा बेडरूम ये अगर नॉर्थ वेस्ट में है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूम होता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट एक एरी जोन होता है। एरी जोन का मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा उसको एरी प्रभाव पड़ेगा। तो कौन लोग इस बेडरूम में सोएं? घर के बुजुर्ग और वो लोग जो बीमार हैं, वो कभी भी नॉर्थ वेस्ट में नहीं सोइए। मैं एडवाइस करूंगा अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में है तो आप तुरंत चेंज कर लीजिए। घर के बुजुर्गों को और बीमार लोगों को एरी जोन में नहीं सोना चाहिए, इससे उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ेगी और अगर ज़्यादा बीमार हैं तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कौन सोए जो हमारा नॉर्थ वेस्ट जोन होता है? सबसे बेस्ट नॉर्थ वेस्ट की जगह होती है उन बच्चों के लिए जो फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही, स्पेशली लड़कियां, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही और आप चाहते हैं आपकी बिटिया की शादी जल्दी हो जाए, आप चाहते हैं वो जल्दी पारिवारिक जीवन में आ जाए, तो आप अपनी बेटी को नॉर्थ वेस्ट रूम में सुलाइए। अपने उन बच्चों को नॉर्थ वेस्ट रूम में सुलाइए जो एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं और देखिए चमत्कार, बहुत जल्दी आप लोगों को या तो बेटी के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे या फॉरेन कंट्री के प्रॉपर वो एजुकेशन फील्ड आने लग जाएगी आपके लिए, बच्चों के लिए, जो आपको चाहिए। अगली बात कर रहे हैं हम जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम होते हैं। नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम बहुत ही
सकारात्मक बेडरूम होता है। यहाँ पर हमें जब भी सोना चाहिए तो ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर आपके बुज़ुर्ग रहें ताकि वो खुश दिल हों। वो लोग जो हल्के से भी मूड स्विंग में रहते हैं उनको इस रूम में सुलाइए और देखिए चमत्कार बहुत अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आप चाहते हैं इस वीडियो को और नए वीडियो को देखते रहें, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पवन भाटिया है, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और नेगेटिव एनर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं अपने इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ के लिए, वो एम्प्लॉयज़ जो अपनी बात अपने बॉसेस के आगे रख नहीं पाते, जो अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाते या बॉसेस उनकी बात सुनता ही नहीं है। तो ऑल दोज एम्प्लॉयज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेता रहूँगा, आपको ला के देता रहूँगा और आपके लिए यूज़फुल होंगे। बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयज की, जिनको अपने बॉसेस से डर लगता है, अपनी बात कह नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब अपने बॉस से मीटिंग के लिए जाइए, उनसे वेब मीटिंग कीजिए या उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग कीजिए, आपको क्या करना है, अपने हाथ में एक बॉल पेन रखिए, जिस बॉल पेन की ऊपर से बटन होता है जो आप दबा सकते हैं। बस जादू यह है कि आप अपने बॉल पेन को उसकी जो टिप होती है बॉस की तरफ रखिए, बात करते हो उसे लगातार बजाते रहिए। आवाज़ नहीं होनी चाहिए वरना बॉस डिस्टर्ब फील करेगा। उसको बजाते रहिए, अपनी बात कहते रहिए और आपके अंदर एक अनोखा कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब अगली बार अपने बॉस से बात करने जाइए तो अपने लेफ्ट आर्म में 01 लिख दीजिए। इससे क्या होगा, कोई भी नेगेटिविटी जो बॉस के तरफ से है वो आपकी तरफ आएगी नहीं। ये दो चीज़ें उन एम्प्लॉयज़ के लिए हैं जो अपने बॉस से बात करते हुए घबराते हैं या फिर ढंग से अपनी बात कह नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की इन जनरल, कि ऑफिस में जब आप जाते हो या अपने काम पे बैठते हो तो आपका कहाँ पे आपको बैठना चाहिए, आपकी बैक किस तरफ होनी चाहिए। मैं दिशाओं की बात कर रहा हूँ, चाहे अपने घर पे, क्योंकि आजकल कोरोना है, वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हैं, या आप ऑफिस में बैठते हैं, तो आपकी सीट की डायरेक्शन आप चॉइस नहीं करते। कोई भी सीट मिल सकती है आपको, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस ज़रूर कर सकते हैं जो कि कंफर्टेबली आप कर सकेंगे। फिर आप देखिए आपकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी और आप बहुत ही वैल्यूएबल एम्प्लॉयज़ की तरह काम करेंगे। आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल पे, आप सबके पास ज़्यादातर स्मार्टफोन होता है, तो अपने मोबाइल पे कंपास खोलिए। कंपास में देखिए आपकी करंट सीट की लोकेशन क्या है, यानी कि कंपास अगर आपको चलाना नहीं आता तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। कंपास का जो नॉर्थ एरिया है वो हमेशा इंडिकेट होता है। तो आपको देखिए, आप जब बैठते हैं अपनी सीट के ऊपर कंपास को रखिए और देखिए नॉर्थ एरिया किस साइड पे है। अब आपको करना क्या है कि कंपास के डायरेक्शन के हिसाब से अपनी सीट एडजस्ट करनी है। यू विल मेक श्योर कि आपकी बैक, आपकी जो पीठ है वो साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप थोड़ा सा सीट को एडजस्ट करके अपनी पीठ को साउथ डायरेक्शन में कीजिए और फिर देखिए आपकी जॉब में तरक्की और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होता है। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। जैसा मैंने कहा कि आज ये जो मेरी वीडियो है वो एम्प्लॉयज़ को डेडिकेट की हुई है, लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है, कोई वास्तु कंसल्टेंसी लेनी है, कुछ डाउट्स हैं आपके दिल में ऑफिस से रिलेटेड, कुछ जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, नंबर नीचे आपको फ्लैश हो रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको हेल्प करूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन भाटिया है, मैं वास्तु कंसल्टेंट और नेगेटिव एनर्जी विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों, मैं आज फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। इस बार मेरा टॉपिक है ऑफिस और ऑफिस की बनावट, ऑफिस में कौन से स्थान पे क्या रखना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑफिस की। ऑफिस, आपका ऑफिस, आपकी फैक्ट्री जहाँ पर आप काम करते हैं, जो आपका इनकम सोर्स है, इसकी बनावट वास्तु के हिसाब से क्या होनी चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ मैं इससे पहले बता दूं कि अगर आपकी बनावट जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा कैसे बगैर उस सामान को तोड़े हुए हम उसकी बनावट को वैसे ही बना दें जैसे कि हम कह रहे हैं। तो ऑफिस के बारे में बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल और हमारा फिनिश गुड्स, यानी कि बना हुआ सामान फैक्ट्री के अंदर और कच्चा सामान कहाँ कहाँ होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा हमारे को अपना बना हुआ सामान
नॉर्थ वेस्ट जोन में रखना है ताकि ये एरी जोन में रहे और जल्द से जल्द बना हुआ सामान बिक जाए, रुके नहीं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आपका आपकी फैक्ट्री आपके ऑफिस में कुछ आपका गुड्स हैं जो बन चुके हैं, आप उसे बेचना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी दिशा हमेशा नॉर्थ वेस्ट में रखिए। अगली बात करते हैं घर के मालिक, ऑफिस के मालिक और हमारे ऑफिस के जो पार्टनर्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, ताकि उनका पूरी फैक्ट्री में पूरे ऑफिस में पूरा दबदबा रहे। तो ऑफिस के मालिक को अपनी सीट, अपना ऑफिस, अपना रूम वो साउथ वेस्ट के अंदर होना चाहिए। साउथ वेस्ट में उनके जो बैक है वो साउथ की दिशा की तरफ होगी और उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होगा। अगर आप साउथ वेस्ट प्रॉपर कॉर्नर पे बैठते हैं तो आपको देखना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अगर आप इस दिशा में बैठे हैं तो लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बात को टालेंगे नहीं और आपका पूरा सम्मान करेंगे। अब बात करते हैं हमारे घर के ऑफिस के जनरेटर के बारे में। ऑफिस का जनरेटर किस दिशा में होना चाहिए? ऑफिस का जनरेटर एक बहुत ही भारी मशीन होती है, ये हमेशा हमारे को साउथ की तरफ रखनी चाहिए, क्योंकि इस जगह पर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ता है। अगर आप साउथ ईस्ट पे रख सकें तो और ही बढ़िया है। अब अगली बात करते हैं कि ऑफिस में जो हमारा वॉशरूम है या हमारा जो पानी का सोर्स है वो किधर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका वॉशरूम है तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपका वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट पे है तो आपको इसे तोड़ना नहीं है, हम इसका सॉल्यूशन देंगे। इसी तरह पानी का टैंक किस तरफ है? पानी का टैंक दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के अंडरग्राउंड में होना चाहिए। अगर ये अंडरग्राउंड में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की छत पे है, तो ये एक नेगेटिव ऊर्जा का रीज़न है, आप इसको ठीक करवाइए। इसी तरह से हम बात करते हैं आपका स्टाफ कहाँ बैठे। आपका स्टाफ कभी भी नॉर्थ वेस्ट पे ना बैठे, क्योंकि अगर आप अपने स्टाफ को नॉर्थ वेस्ट में बिठाते हैं दोस्तों तो आपका स्टाफ हमेशा भागेगा, नौकरी में नहीं रहेगा, आपसे बदतमीजी करेगा और आपको एक अच्छे स्टाफ की कमी रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ सिंपल टिप्स बताए हैं जो अपने ऑफिस में आप लगा सकते हैं और देख सकते हैं आपका ऑफिस कैसे फल फूल जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन भाटिया है, मैं वास्तु कंसल्टेंट और नेगेटिव एनर्जी विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों आज हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक आपकी लाइफ का बहुत ही क्लोजेस्ट टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं हमारे बिजनेस पे फॉल डाउन, हम बात कर रहे हैं हमारे जॉब में प्रमोशन होते होते डिमोशन कैसे हो गया, जॉब का खतरा कैसे हो गया। हम बात कर रहे हैं आज कि हमारे घर में हंसता खिलता परिवार अचानक से बीमारियों से कैसे घिर गया। दोस्तों ये टॉपिक आपके बहुत क्लोज हैं और इनका निवारण हमारे पास है। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए दोस्तों हम आज बात करते हैं उन गंभीर बातों के बारे में जो आपके बहुत ही करीब है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा आपका बिजनेस बहुत अच्छा फल फूल रहा होता है, अचानक आप अपने बिजनेस के अंदर तरक्की की राह में पहुंच जाते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड बिजनेसमैन हो जाते हैं, लेकिन अचानक आपके बिजनेस में एक ऐसे गिरावट आनी शुरू होती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। या आप अपनी जॉब में हैं और अपनी जॉब के अंदर आप बहुत अच्छा चल रहे हैं, आप अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन पा रहे हैं, लेकिन अचानक ही अगले ही पल ये प्रमोशन या ये तरक्की आपकी जॉब के अंदर एक ऐसी मजबूरी बन जाती है कि आपको लगता है जॉब छोड़ देनी चाहिए, या आपको लगता है आपके घर में बहुत बीमार होने लग गए हैं लोग। पहले तो ऐसा नहीं था, अचानक कैसे हो गया? क्या आपको लगता है ये घर में जो बीमारी है आपके घर के बदलाव के कारण है, या आपके घर के रहन सहन में एक अचानक ऐसा परिवर्तन आया जो आपके करीबी दोस्तों को या आपके रिश्तेदारों को या उन लोगों को जो आपकी तरक्की से जल रहे हैं उनको पसंद नहीं आया? दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि लोग हमारे साथ कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जोड़ देते हैं किसी भी तरीके से जो हमें बर्बाद कर देती है। दोस्तों अगर आप इन किसी भी तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ ये प्रॉब्लम सच में हो रही है या ये प्रॉब्लम से आप कब तक निवारण पा सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ें हमारे को ज़िंदगी भर तंग करती रहती हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स में हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाता है, बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं और कई बार कई ऐसी घटनाएं होती हैं जीवन भर से उससे भूल नहीं पाते, अपने आप को माफ नहीं कर पाते। दोस्तों आप
समय बिल्कुल नष्ट मत कीजिए, आप मुझे बताइए अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं देखकर चेक करके इन प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक वास्तु के थ्रू इन प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको दूंगा, और ये सलूशन लाइफ टाइम है, और इन सलूशन से ना आपकी फैमिली में, अपने बिजनेस में, जॉब में तरक्की मिलेगी, आपका जीवन भी ओवरऑल बहुत ही खुशहाल होगा। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों धन्यवाद, हैव अ स्माइल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन भाटिया है, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ और नेगेटिव एनर्जी विशेषज्ञ हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे घर की नेगेटिविटी की। दोस्तों हमें पता है हमारा घर हमारे सुख और शांति का प्रतीक होता है, इस घर के अंदर हम आराम करते हैं, एक फ्रेश एनर्जी लेके आते हैं दोस्तों, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे घर में कई तरह की नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमारे साथ रह रही होती हैं, पनप रही होती हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं घर की। घर एक ऐसी जगह है जहाँ हम सारे दिन के थके हारे आराम करते हैं, रात को सोते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं और ऑफिस जाते हैं। हमारे पीछे हमारी फैमिली, हमारे बच्चे खुश रहें, हमारा इंतज़ार करें ताकि आके एक एनर्जी हम उनको लेके आएं। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा हमारे घर में कई बार ऐसा होता है कि घर वाले दुखी रहते हैं, हम घर में जाते हैं लेकिन हमारे को नींद नहीं आती, रात भर हम परेशान रहते हैं, हमें लगता है कि कुछ है जो इस घर में हमें आने नहीं देता, हम बाहर खुश रहते हैं, हमें बाहर अच्छा लगता है। तो हमें जानना चाहिए हमारे घर में किस तरह की नेगेटिव एनर्जी है। दोस्तों ये एनर्जीज़ कई तरह से होती हैं, लेकिन मैं बात करूँगा मुख्य रूप से दो नेगेटिव एनर्जीज़ की, जो या तो हमारे घर में है या हमारे घर के आसपास के एनवायरनमेंट में है। चलिए बात करते हैं घर के आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में। दोस्तों आप सोचते होंगे मैंने तो अपना घर पूरे वास्तु की तरह से बनाया है, मैंने वास्तु पूजा करवाई है, मैंने वास्तु के सारे वो उपाय किए हैं जो एक घर को बनाने के लिए हर व्यक्ति को करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे घर में दिक्कतें हैं, नेगेटिव एनर्जी है, घर के अंदर शांति नहीं है। तो दोस्तों आपको शायद ये पता होना चाहिए, पता भी नहीं होगा आपको या पता होना चाहिए कि आपके घर के आसपास कई ऐसे घर होते हैं जिनकी दीवारें आपके घर से जुड़ी होती हैं, वो आपके लेफ्ट या राइट वाले हो सकते हैं, आपके पीछे वाले या ऊपर वाले या नीचे वाले हो सकते हैं, जिनके घरों में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो लोग खुद नेगेटिव हैं, लेकिन उनकी नेगेटिव एनर्जीज़ उनके घर तक ही सीमित नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जीज़ आपके घर तक पहुँच रही हैं और आपको परेशान कर रही हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है आपके अड़ोसी या पड़ोसी या आपके आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको दुखी कर रहा है, तो आप वेट मत कीजिए, तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। चलिए अब बात करते हैं एक और नेगेटिव एनर्जीज की, जो घर बनाते वक्त हम पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। हमने कई बार देखा होगा जब हम घर बनाते हैं तो हम पूजा पाठ तो करवाते हैं लेकिन वो ज़मीन के ऊपर की होती है, ज़मीन के नीचे की पूजा पाठ के बारे में हम सोचते भी नहीं, हमें कुछ बताता भी नहीं है। कई बार हमारे घर के नीचे इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो घर बनाने के बाद तकलीफ़ में रहती हैं, और वो तकलीफ़ में रहती हैं तो आपको भी तंग करती हैं, दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है आपके अड़ोस पड़ोस में माहौल बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, आपका मन नहीं करता सोने का, कोई स्पेसिफिक बेडरूम है, ड्राइंग रूम है जहां आपका बिल्कुल मन नहीं करता जाने का, तो देर मत कीजिए दोस्तों, आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और बताइए अपनी समस्या और हम इसका समाधान करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ स्माइल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन भाटिया है, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को ढूंढकर उनका निवारण करता हूँ। दोस्तों आज हम नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे ये नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट करती हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और बेल आइकन को दबाइए और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ की। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि कुछ अचानक से हमारे साथ होता है, हमें अचानक से नींद आनी बंद हो जाती है, हमें रात को डर लगता है, हमें लगता है हमारे साथ कोई सोया हुआ है,
हमें लगता है कि हमारे बगल में कोई है लेकिन एक्चुअल में कोई होता नहीं है। दोस्तों आप इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, आप समझिए ये अचानक नहीं हुआ। आप ज़रूर कहीं गए होंगे, कहीं पे कुछ नेगेटिव एनर्जीज में आपका पाँव पड़ा होगा और एनर्जीज आपके साथ आ जाए। दोस्तों आपको तो पता भी नहीं है कि ये एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं उन लोगों से जो एक्चुअल में पॉजिटिव होते हैं, वो इन पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव करने के लिए ही एनर्जीज काम करती हैं। दोस्तों हमें इन एनर्जीज को इग्नोर नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करना है, इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके फोटो को देखकर, आपकी प्रॉब्लम को देखकर आपको इसका निवारण दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन एनर्जीज से कैसे बचा जा सकता है और इन एनर्जीज में आपका क्या इंपैक्ट हुआ है। दोस्तों आप ये भी सोचिए कि कई बार आपको अचानक से आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कहीं कमर पे या पीठ पे दर्द होता है, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का ही इम्पैक्ट है। नेगेटिव एनर्जीज हमें कई तरह से तंग करती हैं, दुखी करती हैं, ये ना हमारे काम में मन लगाने देती हैं, ना हमें कहीं पर तरक्की ही देती हैं, क्योंकि इनका काम ही हमें खराब करना होता है। तो दोस्तों इन नेगेटिव एनर्जीज से अगर आप कहीं पर भी इम्पैक्टेड हैं तो आप हमें कॉल कीजिए, हमसे सलाह लीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं कि इन नेगेटिव एनर्जीज को हम निकालेंगे आपकी लाइफ से, हम एक नेगेटिव एनर्जीज को कंप्लीटली आपकी लाइफ से हटा देंगे और आपको एक नया लाइफ, नया रिफ्रेशमेंट लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन भाटिया है, मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं नेगेटिव एनर्जीज को ढूंढकर उनका निवारण करता हूँ और वो भी एक साइंटिफिक वे में। अगर आपको इस वीडियो को पूरी तरह से जानना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम बात करते हैं नेगेटिव एनर्जीज की, किस तरह की नेगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ में होती जिनके बारे में पता भी नहीं होता और हम सारी जिंदगी उनके साथ जीते हैं। हम सोचते हैं हमारी किस्मत ही ऐसी थी, लेकिन नहीं, हमारी किस्मत ऐसी नहीं है, ये नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ जुड़ी है। कई बार अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं, अरे मैं कई दिनों से रात को सो ही नहीं पाता, मेरी रातें हराम हो रखी हैं, जरूर मैं थका हुआ हूं, जरूर मुझे कोई परेशानी है। एक्चुअल में आपको परेशानी नहीं है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपके साथ चली हुई हैं। कुछ जगहों पर आप गए थे जहां पर आपका पांव लगा और आप उन एनर्जीज को अपने साथ लेके आए। कुछ लोग उसे भूत प्रेत का नाम भी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जिनका इलाज मुमकिन है। आपको करना क्या है, आपको दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना है, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन एनर्जीज को अपने से दूर कर सकते हैं और वो भी एक सरल उपाय के द्वारा। आपको नीचे दिए नंबरों में फोन करना है या व्हाट्सएप करना है, आपको अपनी जानकारी देनी है, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको बताएंगे आपके साथ किस तरह की परेशानी चल रही है। दोस्तों आप ये भी नोट कीजिए कि अगर आपको अचानक से कोई तरह की, किसी तरह की बीमारी हो गई है, आपको लगता है कि अचानक से पांव में दर्द होना शुरू हो गया, घुटनों में अचानक से दर्द शुरू हो गया, कमर में दर्द शुरू हो गया, तो इसे नजरअंदाज ना कीजिए। आप समझ जाइए कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको तंग कर रही है। दोस्तों कई बार हमें लगता है कि किसी ने हमारे साथ कुछ किया हुआ है, कोई रिश्तेदार, कोई इंसान जो हमारे से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है और उसने हमारे साथ कुछ इस तरह से बांध दिया है हमें कि हम कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस में सफलता नहीं मिल पा रही है, लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं, घर बिक गया, यहां तक कि हमारी प्रेमिका या हमारा पति भी हमसे रूठ के चला गया। तो इंतजार मत कीजिए, आप इसी वक्त नीचे दिए नंबरों से हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगली आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। I am Dr. Pooja Bhatia, gold medalist astrologer, tarot card reader, numerologist, vastu consultant and a life counselor. आज का ये वीडियो specifically Taurus moon sign के लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राहु केतु के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या रहेगा मून साइन टॉरस पर। जब राहु 23 सितंबर 2020 में टॉरस मून साइन पे ट्रांजिट होगा तो उस टाइम पे ये ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा शार्प बना देगा, और क्योंकि राहु एक बहुत ही एनालिटिकल प्लैनेट है, बहुत ही मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो ये सब क्वालिटीज़ आपकी पर्सनालिटी में आएगी और आपकी पर्सनालिटी बहुत ही मिस्टीरियस भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रहस्यमय हो जाएगी। आप हर काम बहुत ज़्यादा स्मार्टली करेंगे, लोग आपको
पहचानने में, आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगेगा कि यू आर एक्टिंग वेरी मिस्टीरियसली और सीक्रेटिवली आप एक्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली ओरल हाइजीन का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंटल इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। राहू का ये ट्रांजिट आपके लिए गुड न्यूज़ भी लेकर आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। राहू का ट्रांजिट आपको ईगो प्रॉब्लम्स भी दे सकता है, एटीट्यूड प्रॉब्लम भी दे सकता है, इसलिए जो भी काम करें सोच समझकर और शांत दिमाग से प्लानिंग करके करें। और हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो, क्योंकि राहु इल्यूजन्स देगा, गलत फहमियों का शिकार भी करेगा और आप लोगों को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, इसलिए कोई भी फैसला करना है ठंडे दिमाग से और सोच समझ कर करना है। बच्चों के मामले में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से राहु आपके फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा जो चिल्ड्रन का हाउस होता है, और बच्चों के मामले में आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी, उन पर एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे ज़िद्दी हों और गलत राह पे भी जा सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचेंगे, कोई ना कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे कि जिससे आपको फटाफट गेन हो, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो या किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में हो, बहुत ही सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और शॉर्ट टर्म गेन के बारे में मत सोचिएगा। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु आपके सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करेगा स्कॉर्पियो ज़ोडियक साइन में, तो सेवेंथ हाउस में जब ये ट्रांजिट करेगा तो सेवेंथ हाउस आपकी मैरिड लाइफ का होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है, तो इन एरियाज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है केतु, क्योंकि आपकी स्पाउस की हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में इम्पैक्ट आ सकता है। इस टाइम पे आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ आपके कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल भी जिद में नहीं आए, जो भी बात है मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आराम से कामली सुलझाइए। वर्क प्लेस पे हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर पड़े, आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पे कुछ ही ना किसी बात को लेके मेंटल प्रेशर बना रहेगा। अगर आपकी मदर की हेल्थ की बात करें तो मदर की हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, और फीमेल्स को स्पेसिफिकली अपने लोअर अब्डोमन एरिया पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, आपको अपना गायनिक ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन के चांसेस यदि बन रहे हैं तो डेफिनेटली प्रमोशन तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद और बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर के बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा। इसीलिए ये ट्रांजिट आपके लिए जहाँ एक तरफ पॉजिटिव है, वहीं बहुत स्ट्रेसफुल और हार्डवर्क भी आपसे करवाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांजिट ऑफ राहु एंड केतु फॉर टॉरस मून साइन। कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो फॉर जेमिनी मून साइन, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा भाटिया, गोल्ड मेडलिस्ट एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अ लाइफ काउंसलर। फ्रेंड्स, आज हम राहु और केतु के गोचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी तक जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने राहु केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है 23 सितंबर 2020 का, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया और वर्ल्ड पे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है उसका इम्पैक्ट 12 राशियों पे क्या पड़ेगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने मेष राशि वालों के लिए बनाई है, और मेष राशि के लोगों पे राहु के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, केतु के ट्रांजिट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सी राशियों के बारे में बात करने वाली हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आपके सामने वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तो बात करते हैं राहु और केतु के गोचर की। 23 सितंबर 2020 को बुधवार के दिन सुबह 7:38 पर राहु मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, और ये 12 अप्रैल 2022 तक यानी कि मंगलवार की सुबह 8:44 तक इसी राशि में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि राहु और केतु के ट्रांजिट से बचने की या फिर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं
हैं कि राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, हमारे लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, बहुत घबरा रहे हैं लोग। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि राहु और केतु के ट्रांजिट से आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राहु और केतु का ट्रांजिट एक जनरल इम्पैक्ट है और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए ट्रांजिट हो रहा है और सब पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव और मिक्स रिजल्ट्स आपको देगा ही। हाँ, अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु की स्पेसिफिकली दशाएं चल रही हैं तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा फील होगा, और अगर आपकी हॉरोस्कोप में राहु केतु शुभ स्थिति में हैं तो ये आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो अब हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं मेष राशि की, कि मेष राशि वालों का क्या इम्पैक्ट रहेगा राहु केतु और ट्रांजिट का। मेष राशि की यदि बात करते हैं तो मेष राशि से दूसरी राशि में राहु गोचर कर रहे हैं और दूसरा जो स्थान होता है किसी भी हॉरोस्कोप में वो धन भाव होता है, कुटुंब भाव होता है, फैमिली का घर होता है और हमारी वाणी का भाव होता है। तो इस इन एरियाज पे हमें इम्पैक्ट आ सकता है। हो सकता है हमारी फैमिली में थोड़े से टेंशन क्रिएट हो क्योंकि हमारी वाणी का भी भाव है, तो राहु वहाँ जाके क्या करेगा, हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देगा, हमें बहुत हार्श बना देगा, हम शायद बहुत रूड हो जाएंगे किसी से भी बात करने में, तो वाणी में थोड़ी सी कटुता आ सकती है जिससे परिवार में आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसीलिए आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल रखना होगा, अपने द वे यू आर टॉकिंग आपको उस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हो सकता है आपको आपके शत्रु भी परेशान कर सकते हैं और आपको सबसे ज़्यादा अपनी जॉब में अगर रहें तो जॉब में आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो सकती है आपके अगेंस्ट। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु आपको मिक्स रिजल्ट देगा और कुछ ऐसे काम भी करवा सकता है जिसमें हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा धन खर्च हो। इसीलिए धन भाव में राहु का ट्रांजिट होना आपको अपने पैसे का, इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं केतु के प्लैनेट की। केतु जो है जहाँ पे राहु आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वहीं केतु आपके एट्थ हाउस में ट्रांजिट करेगा। एट्थ हाउस में ट्रांजिट करते ही हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज हो, और एट्थ हाउस हमारा होता है सडननेस का, हमारी इन्वेस्टमेंट का, पेटर्नल प्रॉपर्टी का। एट्थ हाउस हमारा ज्योतिष का भी, ऑकल्ट फील्ड का भी हाउस होता है, तो क्या होगा कि केतु का यहाँ पे ट्रांजिट आपका ऑकल्टिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेगा। हो सकता है आप इन विद्याओं को सीखें, आप ज्योतिष सीखें या आप तंत्र मंत्र सीखें, इस तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही ये आपको सडनली फाइनेंशियल गेंस भी दे सकता है। अगर आपका इनहेरिटेंस का या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ऑलरेडी मैटर चल रहा है तो ये बात सामने आ सकती है, उससे रिलेटेड कुछ इशूज़ भी आ सकते हैं। आपको अचानक से फाइनेंशियल गेंस और पेटर्नल प्रॉपर्टी से गेंस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केतु आपको बिना बात के अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। और दूसरी बात, आपको ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे आपको ड्राइव बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। करियर से रिलेटेड यदि हम बात करें तो केतु यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कराने वाला है। कोई नई प्लानिंग भी आप कर सकते हैं अपने बिजनेस के ग्रोथ या एक्सपेंशन की, और साथ ही आप अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे और आप अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, इट वॉज ऑल अबाउट राहु एंड केतु ट्रांजिट फॉर द ज़ोडियक साइन राशि मून। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द मून साइंस ओवर हियर। तो चंद्र राशि मेष का ये इम्पैक्ट रहेगा। आगे की राशियों के लिए, वृषभ राशि के लिए देखिए मेरा वीडियो और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।